हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। एक पारसी परिवार का घर है। इस समय बहुत सारे लोग विदेशों में सेटल हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों की संख्या बहुत कम है। इतने बड़े घर में ये एक बुजुर्ग औरत रहती हैं। इनका एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, इसीलिए जय अम्मा इनका देखभाल करती हैं। उम्र की वजह से ये पढ़ नहीं पाती हैं, तो जय अम्मा ही इनके लिए इनकी आंखें हैं। चला जा, आ जा बेटा। सुनिए जी, कहिए। मेरे बेटे का जरा ख्याल रखिएगा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। चुप हो जा बेटा, चुप, चुप। इसके बाद ये लड़का कभी स्कूल नहीं गया। उसकी माँ ही उसके लिए गुरु बन गई, पुस्तकें ही उसके लिए देवी सरस्वती थी। मालकिन ने अपनी मौत से पहले ही किताबों की लाइब्रेरी जयम्मा के नाम कर दिया था। उसके बाद जयम्मा ने काफी दिनों तक अपनी जीविका किताबों को बेच कर चलाई। हमारे हीरो की परवरिश इन किताबों के बीच ही हुई। मम्मी, मम्मी, उसे वहीं पर रखना, मैं उसे ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। सोचिए, जिस बच्चे का बचपन तरह तरह की किताबों को देखते पढ़ते बीता हो, उसके संस्कार और उसकी सोच कितनी खास होगी। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है और बेंगलुरु के एक बहुत बड़े बुक स्टॉल का मालिक है। और जरा अब इधर देखिए, ये लड़कियां यहाँ पर किताबें खरीदने नहीं आई हैं, बल्कि हमारे हीरो के लिए आई हैं। इतना पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का इस तरह से लड़कियों के साथ गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, यही सोच रहे हैं ना आप? ये लड़कियों के सपनों की बातें हैं। असल में ये लड़का क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा आगे हो, और पास। हम बताते हैं आपको कि इनके शौक क्या है। वाइल्ड लाइफ के फोटो खींचना, जंगल में घूमना, क्लासिक फिल्में देखना, दुनिया की मशहूर किताबों को पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना। Come on, बच्चों, चलो करते हैं। इतना ही नहीं, ठीक से कभी कभी जानवरों को चारा खिलाना। और ये क्या क्या करते हैं आप खुद ही देख लीजिए। She shouted at him, There has been a lot of matter. आ जाओ, उस भगवान के लिए तुम आ ही जाओ, इंतजार बहुत हो गया, ऐसा कहा उसने। उसके बाद वो सब ठीक है, लेकिन ये सब जान के तुम्हें क्या करना है। चलो कॉलेज जाओ, जाओ जल्दी प्लीज। अरे जाओ, बहुत देर हो रही है।
गुरुजी, हमने आखिर क्या पाप किया है? हमें क्यों आप फूल नहीं दे रहे? आंटी जी, खुद ही जाकर पूछ लो ना। ऐसा मत कहिए गुरुजी, बेटी का ये आखिरी साल है, वो पास हो जाए इसलिए एक फूल दिला दीजिए गुरुजी। आंटी जी, तुम्हारी तकलीफ को सहन ना करके तुम्हारा पति भाग गया, उसी तरह एक दो भगवान थे वो भी भाग गए, इसलिए ना कहीं बारिश हो रही है और ना कहीं फूल है। प्लीज प्लीज गुरुजी। अरे आंटी जी, आप जाओ और अपनी बेटी को भेजो। हाँ? मैं उसको एक रत्न दूंगा। हाँ? और फिर आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी उसको बता दूंगा। ऐसा करके पुण्य कमाइए। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ। एक एनजीओ में काम कर रहा हूँ मम्मी जी। हाँ, कौन सा एनजीओ? वो एक्स कनाडा संस्कृति के मिनिस्टर रानी सतीश जो है ना, वो चला रहे हैं। एक ट्रस्ट बनाकर 50 एकड़ जमीन को डेवलप किया है। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल, लाइब्रेरी और अभी नया ऑडिटोरियम भी बना रहे हैं मम्मी जी। फिनिशिंग स्टेज पर है। मम्मी, आज यहाँ गोपी आया है, इसलिए तुम्हें दाल खिचड़ी बनानी पड़ेगी ताकि सब लोग खा सके। क्यों बच्चों? मेरा बेटा आया है, आज तो कुछ स्पेशल जरूर बनेगा। चाहिए चाहिए दाल खिचड़ी, चाहिए चाहिए दाल खिचड़ी, चाहिए। ठीक है ठीक है, वही बना देती हूँ। क्या बेटी, इतनी बड़ी हो गई फिर भी चलना नहीं सीखा तुमने? मम्मी ने भेजा है, आपने बुलाया था मुझे। ये क्या लेकर आई हो? मम्मी ने कहा था नींबू पर मंत्र मारकर लेकर आ, दरवाजे पर बांधने के लिए। ठीक है ठीक है, लाओ। बेटी देखो, इसमें मैंने मंत्र लिख दिया है, शाम को सूरज डूबने से पहले 48 बार इस मंत्र को जपना पड़ेगा और सुबह सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर बलि शंकरी देवी के पास जाना पड़ेगा और वहां जाकर देवी के सामने घुटने टेककर उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। और बेटी, मांदली में रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है, वहां अपनी मम्मी को ले जाकर पूर्णिमा के दिन अर्चना करवाओ, समझी? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो। क्यों डायरेक्टर साहब, काफी दिनों बाद तुमने मुझे याद किया। अरे तुम्हारी याद आई इसीलिए तो चलाया मैं। नहीं समझा? हा? अरे उठा रहा हूँ यार। क्या? फिल्म का प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ। क्या लाऊं सर? अच्छा, दो कॉफी लेकर आओ। क्या हुआ? अरे तुम्हारे पास किस लिए आता हूँ मैं? ताकि तुझसे एक अच्छी कहानी मिल सके। बहुत दिनों बाद एक अच्छा प्रोड्यूसर मिला है मुझे। अरे कहानी, कहानी क्या है बताओ तो। देख भाई मन्नू, ये रोमांस, सस्पेंस स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एपिक स्टोरी, ये सब नहीं चाहिए मुझे। इतनी मेहनत करनी ही नहीं, सीधे अपनी कल्पना से अगर कहानी मिल सके तो बताओ फिल्म बनाते। इस बार मैं कहानी जरा हट कर चाहता हूँ। देख भाई, मैं इस समय बहुत ही तकलीफ में हूँ और अगर तू चाहे तो। मैंने आपको कोरियन सिनेमा की सीडी दी थी ना। कौन सी सीडी? मैं तो भूल ही गया। तब तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया था, सक्सेस सक्सेस बोलकर इधर उधर घूमते रहे। अब तो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, देखकर मैसेज कर दूंगा आपको। अब से मैं जिस चीज के लिए मना करूँ, तुम उसकी कॉपी करना और स्टोरी बनाते रहना, इधर उधर की मारते रहना, उठाते रहना, मारते रहना, उठाते रहना। अरे यार, आप कैसे डायरेक्टर हो? अब तक एक दो फिल्में तो बना ही चुके हो, फिर भी आपकी लैंग्वेज सही नहीं है यार। अरे मेरी लैंग्वेज भले सही नहीं है, लेकिन मन्नू मेरी लाइफ बहुत सही है। जरा एक नजर मोबाइल पर तो डाल। छी, मैंने कितनी बार कहा कि ऐसी फिल्में मुझे मत दिखाया करो। एक बार गौर से देख। नहीं, 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 मुझे नहीं देखनी है। कहाँ से मिलते हैं तुम्हें ये सब प्रोजेक्ट्स? ये पिक्चर कर रहा हूँ, वो पिक्चर कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर इन सबको अंदर ले लेता हूँ। बेवकूफों की कमी थोड़ी है, चिड़िया खुद ही जाल में फंस जाती है। जा बेटा, प्रसाद लाई हूँ, ये ले। आकर ए, हाँ? क्यों उस लड़की को उल्टा सीधा बोल के तुम तकलीफ देते हो यार? किसको? भूल गए क्या, उस दिन जो लड़की यहाँ पर आई थी उसे तुमने पूजा करने के लिए कहा था। ओ, वो लड़की क्या? अरे सुबह मैंने देखा, वो बेचारी ठंडे पानी से नहाकर घुटनों के बल पूजा कर रही थी। अरे तो मैंने उसे अपने मन से थोड़ी कुछ बताया, इसमें जो लिखा है हम वही बताते हैं बेटा। ए,
खुद को अपने नसीब के बारे में पता है क्या? आईपीएल में बैटिंग करके लाखों रुपए गवा चुके हो। अरे वो बात छोड़ना, बापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लगता है फिर से तुमने बैटिंग शुरू कर दी। ठीक है ठीक है, घर पे जाके बताता हूँ। गुप्ता बोल रहा हूँ, कहाँ है तू? क्या रे गुप्ता, कैसा है तू और क्या चल रहा है? अच्छा हूँ यार, तू अभी फ्री है क्या? क्यों, क्या हुआ? दुनिया घूमनी है क्या? उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, मिलते हैं। बाय। मम्मी, मम्मी दाल चावल बनाकर मुझे टिफिन में दे दो। ये क्या दाल चावल का पागलपन है तुझे? जब देखो दाल चावल खाता है, कितने दिनों तक खाएगा ऐसे दाल चावल? दूसरे लोग तो कितनी सारी चीजें खाते हैं। कौन क्या खाता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये क्यों लेके जाता हूँ ये मैं बताता हूँ। जय आंटी, जय आंटी, जय आंटी। कौन है? ओ तू, ये देखो इसमें आपका बेटा है। किसमें? हाँ इसमें। क्या कह रहा है? आप बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हे भगवान, अब देखिए। हाँ ये तो सच में, इससे मनु आपको देख सकता है और हाँ? आप उसे देख सकती हैं। जल्दी से बातें शुरू कीजिए। ऐसा है क्या? करिए। मम्मी देखो मैं अभी कहाँ हूँ। कहाँ है बेटा और क्या कर रहा है तू? रोमियो जूलियट के बारे में पता है आपको? ये जूलियट का घर है माँ। ये देखो माँ, ये तुम्हारे दाल चावल कहाँ लेके आया हूँ। सच में मम्मी, ये देखो ये यूरोप है, अभी मैं इटली में हूँ। चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। ये वो कपड़े हैं जो रोमियो और जूलियट पहनते थे और यहाँ वो आराम करते थे। कब आएगा बेटा तू? बस दो दिन में आ जाऊंगा माँ। अपना ख्याल रखना। मनु, बहुत अच्छा है यार, ऐसी पेंटिंग तूने बहुत बनाई है, लेकिन जो मैं कहूंगा वो पेंटिंग तू बना सकता है क्या? बना दूंगा, उसमें क्या है। वैसे तेरी मम्मी क्या करती थी? क्या पूछना चाहते हो? खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी और कपड़े धोती थी। तूने कभी अपनी मम्मी से बोला है कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू बहुत अच्छे कपड़े धोती है, ऐसा कभी बोला है? नहीं। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो अवार्ड रिवॉर्ड ये सब तो मिलता ही है। ये सारे काम करने के लिए जो धीरज ताकत और समझदारी लगती है, इसमें से एक भी अगर ना हो तो अपना काम पूरा होगा क्या? तुम्हारी माँ ये सब करती है। अरे क्या हुआ तुझे? नहीं यार, अपनी माँ के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसा मत सोच यार। इट्स ओके, ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं अपनी माँ की तस्वीर बनाकर दिखाऊंगा। थैंक्स यार मनु, मुझे यहाँ पर लाने के लिए। कहीं से भी फोटो निकाल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगत जननी जगत माते, अनादि काल से मैं तुम्हारी सेवा करते आ रहा हूँ और आप भी हमारी रक्षा कर रही हैं माँ, और आगे भी तू इन बच्चों की समय समय पर रक्षा करती है माँ, और इसके अलावा आयु आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है माँ। तुम्हारे नाम की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती है माँ, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। हे जगत जननी माते, तुम्हारी सदा ही जय हो।
मनु, क्या हुआ? सो गया था क्या? चल। आयु आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है माँ, तुम्हारे नाम की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती है माँ, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ? हम लोग मंदिर में गए थे, हाँ, पर उन्होंने फूल ही नहीं दिया। सब ठीक हो जाएगा बेटी, परेशान मत हो। जन्माष्टमी पूजा करने को कहा था, की क्या? हाँ की गुरुजी। पूरे मन और श्रद्धा से की ना? हाँ गुरुजी। फिर नो टेंशन, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो फूल? जब तुम्हें भगवान ने फूल नहीं दिया तो मैं किधर से दूंगा? तुम और तुम्हारी मम्मी जब देखो फूल ही मांगते रहते हो। सब ठीक हो जाएगा, जाओ। वैसे तो भगवान को तुमने कई फूल चढ़ाए होंगे, लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने फूल नहीं चढ़ाया होगा। आज मैं तुम्हें फूल चढ़ाऊंगा। हे मन्नू, क्या हुआ? अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था? इसीलिए समझाया था इस उम्र में इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुझे जो मंदिर मालूम है, पहले तो तू मुझे वहाँ ले चल। चल। अरे नहीं नहीं, मेरा सारा सामान तो यही पड़ा है। वो सब मैं देख लूंगा, तू पहले चल। आजा, अरे? चलो। अरे आना। पंडित जी, अर्चना करवानी है। अच्छी बात है, आइए। ये और क्या बताएगा? ये ग्रहों के बारे में बताएगा, कुंडली के बारे में बताएगा, भविष्य के बारे में बताएगा, ये सारी बातें करके बस रुलाता रहेगा और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे लोग अगर रोज मेरे पास आने लगे और मैं उन्हें फूल देने लग गया तो मुझे सारा काम धाम छोड़कर हरिद्वार जाना पड़ेगा। आंटी जी, इसने लड़की को फूल तो दिला दिया, क्या लगता है वो पास हो जाएगी? अगर वो लड़की फेल हो गई तो जो तूने उसके लिए किया है तो तेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा होगा? अरे ऐसे कैसे फेल हो जाएगी, पास करवा दूंगा मैं, तुम देख लेना। पेपर बाहर लेकर आना, उसको लिखवाना, बाद में अंदर लेकर जाना, ये करना पड़ेगा, उनको सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने तुमसे पैसा मांगा, इसका बुरा मत मानना। सर, पैसों के बारे में कोई चिंता मत कीजिए, बस काम हो जाना चाहिए। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों कर रही है तू? नंदिनी, क्या हुआ? बोल ना, क्या सोच रही है तू? तो पास हो गई ना फिर? मैं पास हो गई ना? हाँ। सच में तो पास हो गई है? पक्का? हाँ पक्का यार। क्या बात है? क्या बोला था? पास नहीं होगी तेरी तो। पास करवा दिया क्या बेटा? और क्या, नंदिनी बीकॉम। मम्मी 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 मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? फिर से दाल चावल कहा ना, तो मरूंगी। ठीक है फिर, तुम्हें जो पसंद है वही बना दो। ऐसा है क्या? मैं बनाती हूँ। ये मैं तेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। क्यों बच्चों, तो सब लोग आ गए? हाँ, सब आ गए। चलो चलो चलो, सब लोग ट्रेन बनाओ जल्दी। कमॉन। चलो चलो चलो, चलते रहो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, कमॉन।
उसका नसीब लिखूंगा। हाँ, मैं उसका नसीब लिखूंगा, उसके भविष्य को रूप दूंगा, उसे ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा, देखते जाऊं। हेलो। हेलो निशा। हाय, क्या बात है, आज तुमने कॉल किया? मैंने कहा था ना तुमसे मिलूंगा। मतलब? मतलब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कितने बजे आना है वो बता दो। अभी आ जाओ। तो बताओ कहाँ आना है? मेरे ऑफिस के पास आ जाना। निशा, हाय। हाय, कम। अभी इस धरती पर कहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे छोटे से दिल की एक छोटी सी आशा पूरी करने के लिए सारे ग्रह तारे और सारी शक्तियाँ एक होकर विशाल हृदय पे प्रभाव डालकर उसको मेरे सामने लाकर आशा पूरी कर रही हैं। इससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। देखो ऐसी बातें करूँगी तो मैं चला जाऊँगा। नो, प्लीज मत जाओ, बैठो ना। निशा, वो क्या है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तुम सबको बहुत ही अच्छे से जज करती हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स, यही तो मेरा काम है। मेरे पहचान में एक लड़की है, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसके साथ बात करके वो क्या जानती है, वो क्या कर सकती है, मुझे सब बता दो। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी निशा? ऑफ कोर्स। गुरुजी, आखिरकार आपने हमारा साथ दे ही दिया। हमारे हाथ में क्या है आंटी जी, सब भगवान की लीला है। उस भगवान के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। वैसे तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मेरे बड़े भाई का बेटा कांस्टेबल है, डिग्री मिल जानी चाहिए ऐसा कहता था। आपके आशीर्वाद से वो भी हो गया गुरुजी। अब इसको उसके गले में बांध कर इसको काम पर भेज या घर पर रख, ऐसा मैं उसे कह दूंगी बस। मम्मी जी, आप भी ना। ए, तू चुपचाप बैठ जरा। तेरे बाप के भाग जाने के बाद मुझे पता है मैंने तुझे कैसे पाला। अब पुरानी बातें करके क्या फायदा, अब ये पास हो गई ना, इसको कुछ दिन आराम करने दो, कुछ अच्छे से काम पर लगा दो। आप कुछ हेल्प कीजिए ना। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक फोन नंबर दूंगा, उससे कॉन्टेक्ट कर लेना। मम्मी अकेली है, और कोई नहीं है घर में? सिर्फ हम दोनों ही हैं। टैक्स के बारे में कुछ पता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? डू यू नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट? यहाँ है, ये देखो, ये सब पढ़कर तुम्हें समझना है। तुम्हें नंदिनी के बारे में क्या लगता है? बहुत मुश्किल है। मतलब? उसे कुछ भी पता नहीं है, सच पूछे तो समझ में ही नहीं आता कि वो लड़की इतने मार्क्स लेकर कैसे पास हो गई। कौन है वो और तुझे कैसे जानती? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ। कुछ जनरल नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, टोटली होपलेस है वो। तो वो कुछ नहीं कर सकती? क्या कर सकते हैं? जैसे कि तुम्हारे कहने के मुताबिक उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब ठीक है, लेकिन कौन है ये लड़की? तेरी फ्रेंड है क्या, या तू उसे पसंद करता है? नहीं, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो लड़की बहुत ही बड़े लेवल पर पहुँच जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसे ड्रेसिंग सेंस भी आ जाए तो भी बहुत है। इसका मतलब क्या? मतलब तुम्हें ड्रेसिंग का बहुत ही अच्छा सेंस है, और मैं चाहता हूँ कि उसे वो भी आ जाए। ओह चलो, तुमने मुझे नोटिस तो किया। निशा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में उतना तो जानता ही हूँ ना। ओके बाय। वो लड़की मिली थी क्या? हाँ मिली। तो तुम्हें क्या लगा उस लड़की के बारे में? मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वो सब मैं फोन पर नहीं बताऊंगी, तुम्हें आकर मुझसे मिलना होगा, फेस टू फेस बात करनी होगी। चलो ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं। एनी चेंजेस? हाँ चेंजेस तो है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे पता चली गया था उसके गाड़ी चलाने के तरीके से, मैं सब कुछ जान गया था, अब तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बताओ ना अब आगे क्या करना चाहिए, हम उसके लिए ऐसा क्या करें कि वो लाइफ में बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बस एक छोटा सा बदलाव आ गया है और कुछ नहीं। उतना ही काफी है, अगर उसे एक भी मौका मिल जाए तो वो जरूर करेगी। तू बहुत जल्दबाजी कर रहा है, उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। देख तुझे एक बात मैं क्लियरली समझा देती हूँ, तू जो बोल रहा है ना कि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, वो सब एक झूठ है, उसमें गट्स नहीं है। तूने उसके आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा, लेकिन जब वो उससे बाहर आएगी तो एक छोटी सी हार भी काफी है, जहाँ से आई है वहीं पर वापस चली जाएगी। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, देखो ये मेरा रोज का काम है, इसकी क्या योग्यता है ये जानना। तू जितना पीछे पड़ेगा उतनी तुझे तकलीफ होगी। मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है।
क्या नाम है आपका? सरोजा। क्या हुआ डायरेक्टर साहब? तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज नहीं यार। अरे जरूरी है ना, मान जाना यार। अरे नहीं आज नहीं। अरे क्या आज नहीं का नाटक लगा रखा है? आजा आजा, ये ले देख इसे। ये क्या है? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरी फिल्म की लोकेशन की फोटो है। तू आज इस तरह उदास क्यों है? कुछ नहीं यार। तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। तू मेरे लिए कितना कुछ करता है, तू अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर कर रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हीरोइन है ये, बहुत कॉस्टली है, अपनी रेंज से ऊपर है। क्या हुआ? एक भी अच्छी नहीं है इसमें से। ऐसा है क्या? चल जाने दे, लगता है आज तेरा मूड ठीक नहीं है, चल निकलते हैं। अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अरे पहले बात तो बताओ बेटा। किसी भी तरह उस लड़की का दिमाग फिल्मों की तरफ डाइवर्ट करना होगा। क्या? फिल्म का एक्टिंग का कीड़ा उसके दिमाग में डाल दो, बाकी आगे का मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं, वो और उसकी मम्मी दोनों मिलकर मुझे बहुत पीटेंगे, समझे? उसकी माँ कह रही है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे से करवाकर गंगा नहा लेगी, और मैं उससे कहूँ जी अपनी बेटी को फिल्मों में काम कर। अरे मेरी बात तो सुनो, उसको पास करने के लिए मैंने सब कुछ किया और नाम आपका हो गया, इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा विश्वास करो गुरुजी। अभी वो बहुत बड़ी स्टार बन गई ना, तो नाम आपका ही होगा। लेकिन उसके स्टार बनने के चक्कर में कहीं मुझे चप्पलें पड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा? ए, क्या बोल रहे हो आप? जानते हो ना वो आपकी कितनी इज्जत करती है, और उसकी माँ, वो तो आपको पूछे भी ना कोई काम भी नहीं करती है। आप तो उसके लिए भगवान है, मेरी बात सुनिए, आप बस उसको कन्विंस कीजिए, अरे बाकी का मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटा मैंने हमेशा उनसे पूजा पाठ की बात की है, ये फिल्मों की बात मैं कैसे कहूँ? देखिए ये सब आपसे हो जाएगा मुझे पता है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। ठीक से बात करिएगा। हाँ देखो तुमने जितना कहा है मैं बस उतना ही बोलूंगा। जानकी जी। हाँ गुरुजी, आइए आइए। बैठो बैठो बैठो। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। वो क्या है कि मुझे तुम्हारी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता है। मैं परसों आपकी बेटी की कुंडली देख रहा था, उसमें एक बहुत खास बात नजर आई। क्या बात है गुरुजी? बेटी वो कुंडली लेकर आओ जरा। ठीक है। तू मेरी शक्ल क्या देख रही है? चप्पल और झाड़ू लेकर आ। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ। गुरुजी क्या खास बात है? आंटी जी, इस राशि वालों को कुछ खास चीजों से काफी दूर रहना चाहिए, जैसे कि झाड़ू और चप्पल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जन्मों जन्मों तक वो दोष तुम्हें परेशान करता रहेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, आधी बातें सुनकर मुझे गलत मत समझना। बेटी तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तू इतनी बड़ी बन जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता, और तेरी कला की ऊंचाई का अंत आसमान है। जब तक आकाश में सूर्य है, चंद्र है, बेटी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये कला क्या है गुरुजी? हाँ, कला मतलब गाना, डांस, नाटक, सिनेमा। अच्छा क्या हुआ? ये सब हम जैसों के लिए नहीं है गुरुजी, चुपचाप शादी करवा के गंगा नहा लूंगी। दो तीन जगह मैंने काम के लिए अप्लाई किया है, मैं कहीं भी काम करके ऐसे ही जी लूंगी। जब तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आते हो, आज मैं खुद आया हूँ तो नाटक कर रहे हो। आप गलत मत समझिए, पर ये सब हमें थोड़े ही पता है, इन सब के लिए हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? ये सब ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटी अगर तुम ये करना चाहती हो तो मौका तुम्हारे घर पर चल कर आएगा। बेटी तुम्हारी कुंडली में सब पहले से लिखा है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सही है गुरुजी, मौका मिल सकता है, लेकिन ये सब मुझे नहीं आता और मुझे ये सब पसंद भी नहीं। तेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा बेटी। अरे गुरुजी कॉफी तो पीकर जाइए। मुझे नहीं चाहिए बेटी, मैं आता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? हाँ मान गई। कह रही थी कि चाहे आकाश पाताल एक हो जाए मैं एक्टिंग करके रहूंगी। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग नहीं मानेंगे, तेरे चक्कर में मेरी इज्जत खराब हो गई। चलिए एक बार और भगवान से आशीर्वाद दिला देते हैं। कौन सा आशीर्वाद? आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस जाकर इतना बोल के आइए कि आपको देवी का प्रसाद मिलेगा, बस इतना ही। जाइए गुरुजी जाइए। डायरेक्टर साहब। हाँ बोल मनु। हीरोइन चाहिए, ऐसा पेपर में एक एड देना था मुझे। आज ही दे देता हूँ।
वेरी गुड। मैंने सर से कहा है कि वो फोटो शूट करके सीधे भेज दे। हाँ समझ गए। ओके ओके मैम। हाँ जी बोलिए। मन्नू तुम आ रहे हो ना? मैं आपको उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। इतनी फोटोज हैं, और फोटोज नहीं मिली क्या? इसे देखो। इसमें क्या है? आप कुछ भी मत बोलना, पहले इसे देखो बाद में बोलना। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। अरे कैसी नजर है आपकी, इससे सुंदर मिलेगी क्या? अरे जरा आप इसकी आंखें तो देखिए। अरे हाँ यार, इतने ध्यान से तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हे, ये फाइनल है, इसी को फिक्स कर देता हूँ। देखो डायरेक्टर साहब, इस लड़की को एक्टिंग आती है या नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं, इसे इंटरेस्ट है या नहीं, ये सब कुछ आपको ही देखना है। अगर ये फेस सिलेक्ट हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग जीत गए। अरे परफॉर्मेंस तो मैं करवा ही लूंगा, वो तो मुझे पता ही। इंडस्ट्री को कितनी बड़ी बड़ी हीरोइन मैंने दी है। डायरेक्टर साहब, अगर सब कुछ ठीक हो गया ना तो आप उसे अदिति नाम देंगे? कितनी देर से स्टिल्स लिए जा रहा है? डायरेक्टर मैं हूं या तू? आप जाइए, ड्रेस चेंज कीजिए, जाइए। अदिति जी, मुझे दिखाइए। मैं ही कोई ड्रेस पसंद कर देता हूं आपके लिए। क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त, कमाल का है। इसे पहन लीजिए, जबरदस्त दिखेंगी, एक्सलेंट दिखेंगी, मार्वलस दिखेंगी। इतनी शर्माती क्यों हो तुम? अरे तुम तो मेरी फिल्म की हीरोइन हो। ड्रेस पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर ये जो आप मुझे बार बार हाथ लगाते हैं ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी मैना, सोच रही हो कि कोई यहाँ आना जाए इसलिए शर्मा रही हो? कोई नहीं आएगा। कोई रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बार बार मुझे हाथ मत लगाइए। सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया, मुझे लगा कि आप भी औरों की ही तरह हैं। सॉरी सर, बोलिए ना सर, क्या करना है मुझे? नहीं नहीं, तुमने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा नहीं, है। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, शायद मैंने ही आपकी बात को खराब तरीके से लिया। तुमने जो खराब तरीके से लिया ना, वही बात सही है। विषय तो गलत है लेकिन उद्देश्य अच्छा है। वो कैसे सर? जब विषय गलत है तो उद्देश्य सही कैसे हो सकता है बताइए? देखो,
मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। अगर तुम अपनी कला को निखारना चाहती हो तो सिर्फ मंदिर जाने से ही सब हासिल नहीं होगा, उसके लिए यज्ञ, हवन, होम, बलि, नैवेद्य सब कुछ चढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर सकती तो इंडस्ट्री को भूल जाओ, शोषण हो जाएगा तुम्हारा। आपने किया तो पोषण और कोई और करे तो शोषण। देखो तुम फालतू की बहस मत करो मुझसे, आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अरे मैं कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ, जो भी लड़की इस फील्ड में आती है उसे ये सब करना पड़ता है। जब पैदा हुए थे तब कुछ लेकर नहीं आए थे, तो जब जाओगे तब क्यों कुछ लेकर जाना है? ए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए मुझे? आपने मुझे हीरोइन के काम के लिए बुलाया है ना, तो हीरोइन बनाइए। अरे तुम तो हीरोइन बन जाओगी और मैं यहाँ पर भूख प्यास से तड़पता रहूँ क्या? मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती सर, और ना ही मैंने ये सब कभी मांगा है। कोई तो शक्ति है जो मुझे यहाँ खींच कर लाई है, एक मौका दीजिए सर, मेरे लिए वही काफी होगा। अरे तुम्हें कोई शक्ति यहाँ पर लाकर छोड़ गई है तो उससे हमें क्या मतलब? क्या हम यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं? देखो मैडम, अगर हम पर भरोसा है तो हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, और अगर आपको अपनी शक्ति पर भरोसा है तो आप जा सकती हैं। अरे हा? ये क्या मैडम? अरे सुनिए, विषय भले ही गलत हो लेकिन मेरा उद्देश्य अच्छा है। अरे मैडम मैडम, अरे यार किसी को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे नंदिनी को छूने की कोशिश कर रहा था, उसको गंदी निगाहों से देख रहा था। वो डायरेक्टर सही आदमी नहीं लगता मुझे। ठीक है तो अभी वो क्या बोल रहा है? उसने नंदिनी से कहा मेरे संग एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, वरना अपने घर जा। ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। हेलो, क्या हुआ मन्नू? ए डायरेक्टर, तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। अरे किसे फोन किया है तूने? ए तुझे ही फोन किया मैंने। बोला, आवाज ऊंची मत कर। आखिर बात क्या है, सीधे सीधे क्यों नहीं कह? तुझे नहीं पता है कि बात क्या है? क्या कह के भेजा उस लड़की को? कौन सी लड़की को? नंदिनी को। ए कौन सी नंदिनी को? हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया था ना उसे। ये सब तुझे कैसे पता? उस सब से तुझे क्या मतलब है? तू मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? ए, देख तुझे समझा रहा हूँ, फालतू की बातें मत कर, बस मुझे इतना बता दे कि तू उसे चांस देने वाला है या नहीं देने वाला। लगता है तेरी सेटिंग थी उससे। सेटिंग वेटिंग वाली फालतू बातें मत कर। तूने क्या बोला था याद है तुझे? अभी मैं इसको चांस नहीं देता हूँ, बोल क्या कर लेगा। क्या कर लूंगा, तेरी सारी हिस्ट्री मेरे पास है समझा, और तूने क्या क्या चुराया है ये भी सब कुछ पता है मुझे। कितने अवार्ड्स तूने छीने हैं? इन सब की जानकारी है मेरे पास। लड़कियों को हीरोइन बनाने का झांसा दिया और उनसे अपनी क्या क्या सेवाएं करवाई, ये सारी बातें मेरे फोन में फीड हो चुकी हैं समझा। तूने जो कहा था वो अच्छे से याद है मुझे, अगर ये फिल्म रुक गई तो तेरी लाइफ रुक जाएगी। यही बोला था ना। मन्नू लगता है तू मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। तूने ये मुझसे कहा और मैं ये सुनकर डर गया। मैं इतना भी सीधा साधा माटी का माधो नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो लड़की तुमने भेजी है तो भला ये सब मैं करता ही क्यों? अरे सीधे फिल्म की हीरोइन बनाकर सेलेक्ट कर लेता। तू तो जानता ही है ना, मैं जो भी अपनी हीरोइन के साथ करता हूँ उसका उद्देश्य अच्छा होता है। अच्छा सुनना, तू यही चाहता ना कि वो लड़की हीरोइन बने? बनाना ही पड़ेगा। बनाऊंगा ना यार। मनु ये सब क्या है? मैंने तुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? मम्मी तुम इतने सालों से भगवान की पूजा अर्चना करती हो, अभिषेक करती हो, उनके लिए इतने व्रत रखती हो, कई घंटे बैठकर उनकी सेवा करती हो, उपवास भी रखती हो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने अगर कुछ दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। वही मुझे देखो, मुझे पता है कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए, वो मुझसे मांगे या ना मांगे, मैं उनके मांगे बिना ही उनकी मन की इच्छा और उनकी सारी आकांक्षाएं उनके बिना मांगे ही मैं सीधे पूरी कर देता हूँ। तो बताओ तुम्हारा भगवान अच्छा है या फिर मैं अच्छा हूँ? तुझे प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं इसी में खुश हूँ। आज कोई खास बात है क्या बेटा? कल नंदिनी की फिल्म रिलीज होने वाली है। हाँ मुझे लगा ही था। मम्मी इस बार अगर वो जीत गई ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी। जीत जाएगी ना मम्मी? मम्मी उसके लिए तुम भी प्रार्थना करो ना।
पंचाक्षरी कहाँ है? कल गए थे, उनका कुछ अता पता नहीं है भैया। फोन कर रही हूँ तब भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जब भी उसकी जरूरत होती है गायब ही हो जाता है। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है भैया। ए, अरे इधर आओ, क्या हो गया? देखो वो, देखो, मैंने बोला था कि इसको मत लगाना। मैंने तुमको बोला था ज्यादा हिट मत लेना, पर तुम मानते कहाँ हो? तुम गधे कहीं के, फोकट का मार देता तू मुझे। कैसी कैसी मशीन लेकर आया है तू? अभी अभी 20,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट देकर आया था, अगर राख बन जाता तो इस डब्बे में चला जाता। अरे बाप रे, कितना भी इंटरेस्ट खा लो, इस डब्बे में जाना ही पड़ता है। हाँ क्या रे, हमारी लड़की का फोटो लगाया यहाँ? तुम्हारी लड़की, किसी से बोलना मत वरना लोग पत्थर से मारेंगे। शेविंग सेट, हम दोनों 12 साल से एक साथ ही बड़े हुए हैं, एक ही चौल में, एक ही प्लेट में, एक साथ खाना खाकर, इसी हाथ से मैंने उसे खाना खिलाकर बड़ा किया। हमारे बीच में क्या क्या है वो सिर्फ बातों से नहीं बताऊंगा, वो आंखों से खेलने वाली भाषा है। न जाने कितनी बार सिर्फ आंखों से ही बात कर चुके हैं हम लोग। वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? इतने टाइम से मैं रेडी क्यों रहा था मालूम नहीं है? वो यहाँ आने वाली है राजोत्सव फंक्शन में, वो भी हमारे सर्कल पर। ए, सुन, उसे क्या क्या खिलाया पिलाया पता है? नींबू शरबत, सुंठी पेपरमिंट, लॉलीपॉप, मिठाई, बोर, आइसक्रीम, चॉकलेट। तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा, इमली का बीज निकाल कर उसके बाद उसे अच्छी तरह से कूट कर मिर्ची पाउडर मिलाकर उसमें तिली डालकर ऐसे चाटते थे, बहुत मजा आता था। वो भी दिलाया था, और भी कुछ चाहिए क्या? तो देखते हैं अब कल ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे रोकती है। अरे बाप रे बाप, अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे बाप, छोड़ दो मुझे, अरे क्यों मार रहे हो तुम मुझे? अरे बाप रे बाप, अरे बहुत, अरे बहुत चोट लग रही है यार, छोड़ दो। अरे भाई लोग, इसको ऐसे क्यों मार रहे हो यार? ये कह रहा है कि नंदिनी इससे प्यार करती है। पर वो कैसे? ये कह रहा है कि वो और ये एक ही चाल में बड़े हुए हैं। क्या उसके डैडी ने कर्जा लिया था, मेरे डैडी ने भी तो कर्जा लिया था, तब तो उसे मुझसे ही प्यार करना चाहिए। मारो इसे, मारो। सबको मेरा नमस्कार। मुझे आज एक्चुअली टाइम नहीं था, किसी भी कारण से मैं यहाँ आ नहीं सकती थी, नहीं आ पाऊंगी ऐसा मैंने कह भी दिया था, पर जब मुझे पता चला कि प्रोग्राम यहाँ पर है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, सब कुछ कैंसिल करके मैं यहाँ आ गई। इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, भले यहाँ के चेहरों को भूल गई हूँ लेकिन उन आंखों को भूल जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ है, मेरे घर का दरवाजा उत्तर की तरफ है, उत्तर मुखी मतलब नंदी भगवान का दरवाजा। चौल में अदिति का घर भी नंदी दरवाजा था, तो उसका घर भी नंदी दरवाजा और मेरा घर भी नंदी दरवाजा, अगर ऐसा है तो उसे मुझसे ही लव करना चाहिए, तो ये मोटा बीच में कहाँ आ गया? अरे मारो इसको। हेलो अदिति, किसी से भी प्यार नहीं करने वाली, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी। ये भी गया, उसे हीरोइन बनाने वाला मैं ही हूँ। लो भाई एक और आ गया। अरे उस दिन के बाद वो कभी भी घर नहीं आए भैया, यहाँ हूँ वहाँ हूँ कहकर हर बार बात टालते रहते थे,
ठीक से बताते ही नहीं थे कि कहाँ पर है। उन्हें वापस करूँ ऐसा सोचा तो उनके पास मोबाइल ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो आईपीएल में फिर से बेटिंग में पैसे हार चुका है। ये पंचाक्षरी फिर से कहाँ चला गया मम्मी? जब वो नंदिनी को बोलेगा तभी तो उसे पता चलेगा ना कि नंदिनी की सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है, उसके अलावा कौन बताएगा मम्मी? अब ये सब कहने का क्या फायदा? सिर्फ एक बार तुम नंदिनी को सब कुछ बता सकते हो क्या? तुमको तो सब कुछ पता ही है ना, तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। इसे बाहर निकाल दे। सिर्फ एक बार बता दो ना प्लीज। कहा ना बाहर निकाल दे। प्लीज एक बार, बस एक बार बता दो। मैं बस सिर्फ एक बार बता दो प्लीज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा प्लीज एक बार। क्या कर रहे हो? ए, अरे कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? किसने भेजा है तुम लोगों को? डायरेक्टर सत्या ने। ये सब वो क्यों कर रहा है वो तो नहीं पता, ना तो तुम मेरे बारे में जानते हो और ना मैं तुम्हारे बारे में, फिर भी ये सब क्यों कर रहे हो? हेलो। हाँ राधा, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला, पता चलेगा तो मैं बताती हूँ। वैसे वो किस समय फोन करता है? बता नहीं सकती भैया, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है।
कभी भी फोन कर देते हैं वो। हेलो, बोलिए ना, कहाँ हैं आप? हाँ, हम सब ठीक हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हेलो गुरुजी, मैं मनु बात कर रहा हूँ। इतने दिनों से कहाँ हो यार तुम? अरे क्या हुआ, कुछ तो बता दो। कुछ नहीं, जाने दे यार। क्या हुआ, फिर से वही आईपीएल? तो फिर इतनी छोटी सी बात के लिए बीवी बच्चों को छोड़ दोगे क्या? क्या यार, सब कुछ पता होने के बावजूद तो ऐसी बात कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इसमें फिर से कैसे फंस गए। अभी ये सब बात करके क्या फायदा भाई। ठीक है, पहले ये बताओगी कि कब आओगे? मेरे नसीब में अगर बीवी बच्चों को देखना होगा तो देखते हैं। ए, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? हेलो हेलो, सुनो। क्या कहा उन्होंने, कब आएंगे वापस? अरे सुनो, ये तुम क्या बोल रहे हो यार, ऐसा कभी सोचना भी मत। जो भी हुआ हम सब सेटल कर देंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यार। ये सब बात छोड़ दे, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? ए, तू इतनी टेंशन लेकर क्यों बैठा है, आखिर क्या हुआ? भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुमने फिर से फोन काटा ना तो मैं तुम्हें बार बार फोन करूंगा, समझ गए ना? भाई तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा, और तुम्हें मेरे लिए भी यहाँ पर आना पड़ेगा, प्लीज मेरी बात मान लो। मनु, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं जान। अरे रे रे, वो सारी बातें तो मुझे पता है यार। तू दिल का बहुत अच्छा है, वो भी मुझे पता है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार? प्लीज प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ लो, मेरी बात मान लो यार। देखो मेरा फोन मत कट करना, तुम वापस आ जाओ यार प्लीज। भाई मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, सुनो ना। मैं नंदिनी को पसंद करने लगा हूं, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं यार। एक बार आकर उसको सब कुछ बता दो। जाएगी, सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। एक बात बोलूं बेटा, मानेगा? हाँ माँ, मैं सब कुछ मानूंगा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों तड़प रहा हूँ। नहीं, तुझे कुछ हो गया है इसीलिए तड़प रहा है, तू खुद को तकलीफ दे रहा है बेटा। उसकी मुझे जरूरत है मम्मी।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल मैं भी आती हूँ, लेकिन तू जो करने की सोच रहा है वो सही है। जिस आदमी ने पूरा जीवन खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी किसी चीज के पीछे नहीं भागा, आज ऐसे ही अचानक किसी एक चीज के लिए दिन रात तड़प रहा है, आखिर वो ऐसी क्या चीज हो सकती है? क्या चीज है वो? वो सही है या नहीं ये सोचकर बताना। क्या मनु, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया तू? ऐसे ही आया हूँ। इसी जगह जो मनु बड़ा हुआ था वो खो गया है, उसे ढूंढने आया हूँ। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भाई आपको, दुकान पर भी गया था। आजकल कहाँ रहते हो आप? लेकिन तू ऑफिस क्यों नहीं गया? काम से बहुत बोर हो गया हूँ, इसलिए दो दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। ऑफिस में बोर होने वाली कौन सी बात है? छोड़ो भाई, नंदिनी कितनी बड़ी स्टार बन गई है, आपको पहले सेटिंग कर लेनी चाहिए थी, आपकी लाइफ तो सेट हो जाती। ऐशो आराम की जिंदगी जीते आप, इतने बड़े स्टार के लवर कहलाते, मौका आपके हाथ से निकल गया। ओहो, वो सब याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार तूने कुछ अच्छी बात बोली है। चल मुझे घर तक छोड़ दे, चलता हूँ विके। अरे भाई वो APS कॉलेज में आने वाली है, मैं जाऊँ क्या? बस ये आंखें उसे एक बार देखना चाहती है। ए, ये आंखों आंखों की फालतू बातें मत कर, चल घर जा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या मम्मी? उसी बात का जो हमने कल रात की थी। किस बारे में मम्मी? तू आखिर किस चीज के लिए तड़प रहा है उस बारे में? कौन मैं? बता कौन है मम्मी, बता। क्या मम्मी? बड़ा आया मम्मी वाला, कल तो इतना दुखी होकर कह रहा था कि मुझे वो चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगा। कौन मम्मी, कौन है वो लड़का? बदमाश कहीं का, मेरा मजाक उड़ाता है, मेरी तरफ देख कर बात कर। नहीं मम्मी। छे, बता ना बेटा कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है। मम्मी मैं आपके सामने कुछ नहीं बोल सकूंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए, उसका पहना हुआ फूल तूने भगवान को चढ़ाया, जब भगवान ने फूल दिया था तो वही फूल गिरने के साथ उसी को भगवान कह के कल्पना की, उसी वक्त तुझे उससे प्यार हो गया था मेरे बेटे। क्या कुछ नहीं किया उसका नसीब बदलने के लिए, कहां से कहां पहुंचा दिया उसे, और अब कह रहा है कि मुझे वो चाहिए। बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है वो, लोग उसके पीछे भागते हैं, और तू है कि दिल में बसाकर अब भी दिन रात उसके लिए तड़प रहा है, बेवकूफ कहीं का। अच्छा मनु, तुझे कैसे पता चला कि इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं था? मम्मी अगर मैं उसके बारे में स्वार्थी होता तो विकी को उसको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलता। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करेगा तो उसके अच्छे के लिए वो सब कुछ करेगा, लेकिन किसी भी गलत इरादे से वो किसी दूसरी लड़की को उसके पीछे नहीं भेजेगा, और ये सब बातें वो सह नहीं पाएगी। तूने बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा। तुम ठीक कह रही हो माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा ये सब छोड़ और जा, जाकर जल्दी से कपड़े बदल ले, गाय को चारा भी खिलाना है ना, जा जल्दी जा। नील गगन के तले धरती का प्यार पले, नील गगन के तले धरती का प्यार पले। हे गोपी तू यहाँ? तुम्हारे साथ रहूंगा तो देखो मुझे क्या क्या सहन करना पड़ता है। मन्नू मेरे साथ तुझे अभी के अभी चलना पड़ेगा। वो क्यों? वो हमारा NGO है ना, उसमें मैं एक ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, वो अब कंप्लीट हो चुका है, उसकी ओपनिंग ना ग्रैंड तरीके से करने की सोच रहा हूँ। हमारी मैडम ने कहा कि अगर अनाथ बच्चों को रखकर प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, उन बच्चों को साथ में लेकर एक प्रोग्राम कर देना बस। नहीं गोपी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है तू? अगर बात छोटी होती तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आता? मन्नू कुछ दिनों की तो बात है यार। देख मनु, अगर तू मेरा काम कर देगा ना तो
तो हमारे गांव में कुछ गाय बकरियां पालने वाले भी हैं। मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा, वो कभी एक जगह नहीं ठहरते, एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते हैं। वो तेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ यार चल ठीक है, आजा 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 चल। मनु यही है वो ऑडिटोरियम। बहुत अच्छा है यार। हेलो नमस्ते सर, ये मनु है। हेलो हेलो मनु, साउंड लाइट्स किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये अरेंज करके देंगे। हाँ, ये इंजीनियर है, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके सर मैं सब कर दूंगा। मनु हा? बच्चे आ गए, आओ मिलवाता हूँ। और आ गए बच्चे तुम लोग। बस इतने ही बच्चे हैं देख ले, अब तुम्हारा काम इतना है कि इन बच्चों को किसी भी तरह से ट्रेन कर दे। ठीक है तो चलो आओ मम्मी। रुको 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 एक मिनट, जरा ये देखो इसके लिए म्यूजिक कैसा रहेगा। देखो मैं इस तरह के चार पांच पैटर्न बनाकर लेके आ जाऊंगा, मतलब कहानी एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए म्यूजिक और इफेक्ट्स तो करके दे दोगे ना? ओके सर मैं कर दूंगा। ठीक है ओके। बताया था ना अदिति मैडम, ये है हमारे डायरेक्टर। गाय भैंसों को चारा खिला रहे थे, मैं पकड़कर यहाँ ले आया बस। मनु तू पांच मिनट यहीं रुक, मैं मैडम को बाहर छोड़कर आता हूँ। क्या बात है मनु, सरप्राइज दिख रहे हो। नंदिनी यहाँ पर क्यों आई थी? मैसूर शूटिंग के लिए आई थी, हमारे कॉटेज में ही रुकी हुई है। डायरेक्टर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं यार, वो यहाँ पर रुके हुए थे ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे नाटक में छोटा सा रोल कर ले, तो वो मान गए। मनु किसी भी तरह से ना तू एक छोटा सा कैरेक्टर बना दिया, इसमें अगर सेलिब्रिटी आ गई ना तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। क्या नसीब है ना मम्मी, मैंने उससे मिलने के लिए कितनी बार कोशिश की तब तो वो नहीं मिली, और जब आज मैंने कोई कोशिश ही नहीं की तो वो खुद से मेरे सामने ही आ गई। अच्छा है तेरे दिल की इच्छा भी आखिरकार पूरी हो ही गई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं तो उसे उसी दिन भूल गया था। तुझे एक और मौका मिला है, उसमें और अच्छी अच्छी चीजें डाल। हाँ मम्मी तुम जो कह रही हो, मेरे पास जो जो अच्छी अच्छी किताबें हैं और फिल्में हैं वो मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, उसे और भी बहुत कुछ जानना चाहिए ना मम्मी। क्या था? मेरा नाम मनु है। ये क्या है? कलेक्शंस, अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं और अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मुझे क्यों दे रहे हो? इन फिल्मों में हीरोइंस ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, और ये भी ऐसे ही है, लेकिन तुम देख नहीं सकती बस पढ़ सकती हो। इस किताब में बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। लेकिन मैं इन्हें रखकर क्या करूंगी? एक्टिंग को अलग अलग तरह से सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम कहानी नहीं सुनाते क्या? नहीं मैं कहानी लिखता हूँ। तो मुझे कहानी सुनाओ ना। एक्चुअली मुझे तुम्हारी पूरी कहानी नहीं सुननी, मेरा कैरेक्टर क्या है वो बता दो। अनाथ बच्चों की कहानी है। एक आदमी है, वो बच्चों से भीख मंगवा कर जिंदगी गुजारता है। उस आदमी को डर है कि ये बच्चे कहीं भाग न जाएं, और वो बच्चे चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकते। और एक दिन आप देवी बनकर इन बच्चों के पास आती हो और उन्हें भगाकर ले जाती हो। यही आपका कैरेक्टर है। बॉडी लैंग्वेज की बजाय आपके एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देवी हो। वो ठीक है। आपकी आंखें। वैसे तुम गांव से यहां क्यों आ गए? मैंने गोपी से कहा था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन गोपी माना ही नहीं, उल्टा उसने मुझसे एक और प्रॉमिस लिया। यहाँ पर गाय भैंसे वाले हैं, वो मुझे उनके साथ छोड़ देगा ऐसा उसने कहा था। इन सब बातों का मुझे एक्सपीरियंस लेना था। 100-200 भेड़ बकरियों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना, आपको भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए मैडम। अब तुम जाओ।
आओ, अपना ये सब सामान भी ले जाओ, अगर मुझे चाहिए होगा तो मांग लूंगी। मम्मी, क्या रे? वहां देखो। कौन है वो? तुम्हारी बेटी के पीछे हजारों लाखों लोग पड़े हैं, लेकिन ये मुझे बकरियों को चारा खिलाना है कहकर जा रहा है। हाँ, ऐसा क्या? वो जैसा है वैसे ही बोलेगा ना। जाने दो, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल है। कट इट। क्या यार, डायलॉग ही भूल गया क्या? सर, आई एम वेरी सॉरी, वन मोर। अदिति, अदिति, क्या लॉन्ग ड्राइव पर चले हम? नहीं नहीं, रिहर्सल पर जा रही हूं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको ज्वाइन कर लूं? हाँ ठीक है। अदिति, जब शूटिंग के टाइम पर तुम सामने होती हो ना, मैं तुम्हारी एक्टिंग देखकर अपने सारे डायलॉग भूल ही जाता हूँ। वैसे दोपहर का हलवा बहुत अच्छा बना था, उसमें काजू बादाम पिस्ता डाला हुआ था, बहुत टेस्टी था, है ना? तुम तो सिर्फ काजू बादाम इसी बारे में बात करो, एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में गलती से भी मत सोचना। इट्स ओके, कम ऑन। अदिति, कल मैं घर से खाना लाऊंगा, ठीक है ना? ओ, ये तो यहाँ पर है। कौन है ये? एक काम करोगे, जाकर उससे फ्रेंडशिप करो और उसको बताओ कि मैं कौन हूँ, जाओ ना। लेकिन वो है कौन? डायरेक्टर। नमस्कार सर। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मैडम का फ्रेंड हूँ। अरे अदिति मैडम का। ओके ओके, अब आप डायरेक्टर हैं तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लेना चाहिए। वैसे मैडम ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं। क्या बताना चाहिए था? वैसे आप मुझे मैडम के बारे में बताइए ना। खतरनाक, खतरनाक है सर वो। खतरनाक मतलब क्या होता है? एक्टिंग में खतरनाक है सर, चाहे कैसी भी स्क्रिप्ट हो, एक बार में सारे डायलॉग याद कर लेती है। टेक के टाइम डायरेक्टर भी सामने नहीं आते इसके, आजकल तो बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं इनको। अच्छा, सच में? तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो? हीरो। हीरो? फिल्म हीरो। ओके ओके, अभी अदिति मैडम जो फिल्म कर रही है ना, उसका हीरो मैं ही हूँ। आपकी पहली फिल्म है क्या? अरे नहीं, इसके पहले 3 फिल्में कर चुका हूँ। अच्छी थी क्या? सुपर हिट थी। अच्छा, लेकिन आपका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। इसी से समझ लेना चाहिए मेरी फिल्में कितनी बड़ी हिट हुई होंगी। तुम भी अजीब हो यार, खुद का मजाक खुद ही उड़ा लेते हो। मैंने आपसे कहा था ना, गाय बकरियों को चारा खिलाने वाला यही है वो। मैडम, यही अदिति जी हैं, फिल्म की हीरोइन। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी मम्मी है जानकी। नमस्ते। नमस्ते मैडम, आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो ये लोग कितने अच्छे हैं ना, इन्हें जो जो चाहिए वो सब अरेंज कर देना, ठीक है? सब इंतजाम हो गया है मैडम। हाँ, थैंक यू सो मच। हाय रोहित, इंस्टीट्यूशन के सिक्योरिटी मेरे डैडी हैं। आपकी लास्ट फिल्म देखी मैंने, बहुत जबरदस्त है, वेरी रोमांटिक सीन्स। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। चलो चलो सब लोग उठ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे पास नहीं, इनके पास जाओ। देखो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, शायद आपको अच्छे लगे, आप देख लेना। देखो बेटा, मुझे क्या करना होगा? आप वापस आइए ना, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं बच्चों को तो समझा दूं। नहीं, मैं यही रुक जाती हूँ, वैसे भी उस दिन मुझे रोप से ही आना है। नहीं, बच्चों को तकलीफ होगी, आप किस तरह से आओगी बच्चों को पता होना चाहिए ना। इसे कितना भी समझाओ लेकिन समझता ही नहीं है। आप जब आओगी ना तो आते वक्त बच्चों को कोई सिग्नल दे सकती हो क्या? हाथ से दूं क्या? नहीं नहीं, हाथ नहीं यूज करना चाहिए, आंखों से इशारा करना चाहिए। अरे बच्चों, हाँ? जब मैं उधर से हाथ दिखाऊंगा तो दीदी के पास भागते हुए जाना, ठीक है ना? आप रेडी हो? मम्मी चलिए चलिए। क्या हुआ? ए, बस बस, अरे खाओ ना अदिति। उसको बताया तुमने मेरे बारे में? सब कुछ बताया, डायरेक्टर तुझसे डरते हैं ऐसा भी मैंने उसे बोला। अदिति ये जूस पियो ना, पियो। नहीं नहीं चाहिए। अदिति एक बार पियो ना प्लीज। नहीं चाहिए, मैं बाद में पी लूंगी। अरे थोड़ा तुम सा, कभी कभी बहुत ज्यादा कर देते हो, मुझे इससे पसंद नहीं है। अदिति कैंपस का एक राउंड मार कर आते हैं ना? नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे। बाय बाय। उसको एक बार लेकर आना शूटिंग स्पॉट पर। कैसे हो चंदन? मैडम के लिए खाना लेकर आया था। सर बैठिए ना, एक राउंड मार कर आते हैं। हाँ चलो। क्या बात है चंदन, ये तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। सर
ये नॉर्मल बाइक नहीं है, 24 BHP 300 cc, एक तरह की टाइम मशीन है ये। अरे कोई बात नहीं, एक राउंड मार के आ जाता हूँ। नहीं रहने दो सर। अरे जरा उतरो तो। बी केयरफुल सर। सुपर्ब सर, कमाल कर दिया आपने। चलो चलते हैं। क्या सर, आप तो बिल्कुल छुपे रुस्तम निकले, थोड़ा बहुत हमें भी सिखा दीजिए। तुझे क्या सिखाऊं यार, तू तो पहले से सीखा हुआ है। हीरो, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है सर। क्यों यार? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है सर, जब भी कोई कहानी सुनता हूँ लगता है दिमाग में कीड़े दौड़ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता सर। तुम्हें एक्टिंग इतनी मुश्किल क्यों लगती है? सर वो अकेले में बात करना, कभी भी हंस देना, कभी भी रो देना, ये सब मुझसे नहीं होता सर। मैं तुझे एक इजी मेथड बताता हूँ। आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी सर। कुछ नहीं, तू जिस जिसको देख रहा है और तेरे सामने जो कोई भी हो ना, उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर। ओके, डन। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर मेरी बहन की तरफ देखा भी, देखो सर तो... कैमरे के पीछे कितना साइलेंट है, लेकिन जैसे ही कैमरा लगेगा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर आग ही आग लग जाएगी। ए, मेरी बात ध्यान से सुन, जो भी मेरे पास आता है उन सबको न्याय मिलता है। अगर दोबारा मेरी बहन की तरफ देखा भी तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। वाह 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 वाह, सुपर। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना आग लग जाएगी, क्या बात है। उसे और भी बहुत कुछ करना आता है, कोटी गोविंदा, ऑटो चंद्री। मिस्टर गोपी, हमें कब जाना है? मैडम मैं तो तैयार हूँ, अभी चलते हैं। ओके मैडम। आइए ना, मैं 5 मिनट में फ्रेश हो कराती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है मैम। मैडम मैं बात करके आ जाता हूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आप बात कर लेंगे तो काफी है। आपको तो करना ही होगा मैम, रियल एस्टेट और मुझ में अंतर है। पहले आप बात कर लीजिए, फिर कोई जरूरत पड़ी तो मैं मैडम से बात करवा दूंगा। ओके। हे, रुको रुको रुको। ओ, तो ये यहाँ रहता है। चलो अब तुम यहाँ आओ। ठीक है चलो, बाद में खेलेंगे, अब जाओ। चलो ड्राइवर। एक झोपड़े में रहता है और ऐसे बिहेव करता है, अगर फ्लैट मिल गया तो पता नहीं क्या करेगा ये। ऐसी बात नहीं है मैडम, उसको भी फ्लैट ही दिया था, आप जहाँ रह रही हैं उसके ऊपर वाला, लेकिन उसको छोड़कर वो यहाँ रह रहा है। उसको इस तरह की जगह बहुत पसंद है मैडम, लग्जरी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओ, गाय को चारा खिलाने वाला यही तो सोचेगा। मैडम मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। वो जानवरों को खाना खिलाता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे पैसों की कोई कमी है। उसे अगर पैसे कमाने हैं तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। गायों को वो इसलिए चारा खिलाता है क्योंकि इस काम में उसे बहुत खुशी मिलती है। दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह के छोटे छोटे कामों में खुशियाँ मिलती हैं। आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, उन सबकी सोच भी बिल्कुल ऐसी थी। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में तमाम ऐशो आराम की चीजें ठुकरा दी थी, और ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है मैडम। और ये लड़का भी कुछ ऐसे ही नेचर वाला है। तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाकर गाय को चारा खिलाओ, सुना नहीं क्या? सब कुछ छोड़कर गाय को चारा खिलाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। नहीं, 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 मेरी बात नहीं मानोगे ना? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यही हाल होगा, समझ में आया? ओके ओके, अभी दीदी वहाँ से आएगी तो तुम सबको क्या करना है पता तो है ना? तुम सबको और एक बार ठीक से समझा देता हूँ। ओके चलो चलो आ जाओ आ जाओ। वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे क्या करना है? अभी यहाँ पर तो आप एक देवी हो और यहाँ पर आप बच्चों को बचाने के लिए आई हो, तो आपको हाथ से इशारा ना करते हुए आंखों से इशारा करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो कैसे करना है? आप नंदिनी हो, ये भूल कर आपको कैरेक्टर को पकड़ना है। आप यहाँ पर क्यों आई हो, ये बच्चे आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए कौन हो, ये सब कुछ आपको समझना होगा। स्पेशली आपको आंखों से एक्टिंग करनी होगी। देखो अगर आप खुद में बदलाव लाओगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगी, ये बोलने से तो कुछ नहीं होगा। कल अगर किसी फिल्म में रेप का सीन होगा तो वो भी नेचुरल होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ओके ओके रेडी, चलो ध्यान से।
तुम लोगों को? तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उसे देखती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अरे उसके लिए क्यों टेंशन ले रही है? अरे उसे सीधा बता दे कि तुझे ये काम नहीं करना है। क्या कह रही हो मम्मी? आप भी चाहती हो कि मैं उससे डरकर भाग जाऊँ? अगर मैं चली गई तो हम दोनों को कौन संभालेगा? मुझे यहाँ तक लाने वाले वही हैं। कितने बड़े इंसान हैं वो। उनके साथ रहते हैं तो लोग हमारी भी इज्जत करते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। आप ही ना कुछ भी कहती हैं। अगर तू इतना सब कुछ जानती है तो छोड़ देना। ऐसा पागलों की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, मुझसे नहीं होगा, उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट मंथ मैडम, मैनेजर का फोन है। हेलो, मैं तो उससे कुछ कह रहा था और उसने आपको फोन थमा दिया। जो भी कहना है मुझसे कहिए। मैडम जी, अब मैं आपसे क्या बोलूं? आपको जो भी कहना है मुझसे सीधे सीधे कहिए। अच्छा बताइए, पेमेंट का क्या हुआ? वो तो दे दिया है ना, पोस्ट डेटेड चेक दिया है मैडम। उसको कहिए चेक टाइम पर आ जाना चाहिए। वो सब छोड़िए मैडम, मैंने आपको दरअसल बहुत ही अच्छी बात बताने के लिए फोन किया था। आप सुनेंगी ना तो कहेंगे कि वाह, बहुत अच्छी बात कही है। अब बोल भी दीजिए कि क्या बात है। रणबीर कपूर का प्रोजेक्ट जो है ना, कंफर्म हो गया है। क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, रणबीर कपूर का प्रोजेक्ट। रणबीर कपूर? एग्रीमेंट कॉपी कल ही भिजवाने के लिए कहा है। यस, ये। अरे अदिति, हुआ क्या? अदिति, अरे बात क्या है, बताओ ना। रणबीर कपूर के साथ फिल्म करना कंफर्म हो गया है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ, ऑडिटोरियम में ही करूंगी। उसको भी पता चलने दो कि मुझ में कितना टैलेंट है। हे चंदन, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? बताता हूँ। आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाली। मलयालम मूवी ना? तेलुगु, तमिल, हिंदी, बॉलीवुड, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन के साथ? एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इट्स रणबीर कपूर। अच्छा, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है? वन मिनट, अभी फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ। एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद सारी बातें। उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको किया? आप अकेली हीरोइन हैं। एक एक करके सवाल कीजिए प्लीज। आप सब एक साथ सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे दूंगी? आप पूछिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गलत मत समझिए, लेकिन इतना बड़ा मौका इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी गर्व की बात है। पर बताइए, ये पॉसिबल कैसे हुआ? अगर एक वर्ड में कहूँ तो कॉन्फिडेंस। आप इतने बड़े एक्टर के साथ प्रोजेक्ट करने वाली हैं, पूरा देश आपको देखेगा। कैसा फील हो रहा है आपको? चैलेंजिंग, बस एक चैलेंज और कुछ नहीं। और इस चैलेंज को कैसे जीतना है तो इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस। चैलेंजेस हमेशा मुझे ढूंढते रहते हैं और मैं भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपकी बातें सुनकर हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप में ये कॉन्फिडेंस कब से है मैडम? बचपन से ही है। आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? इस इंडस्ट्री में ना ही मेरा कोई गॉडफादर है और ना ही कोई मददगार है, फिर भी मैंने यंगस्टर्स के लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया है। चाहे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाकर आप लोग लिख सकते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे किसी का हाथ नहीं था, मैं खुद यहाँ तक पहुँची हूँ। सच में पक्का कोई नहीं है? क्या तुम्हें कोई संदेह है बेटा? सच में मेरी बेटी के पीछे कोई नहीं है और इसे किसी की मदद भी नहीं चाहिए। बचपन से ही इस पर भगवान का आशीर्वाद है, और अगर भगवान साथ है तो इसे किसी की क्या जरूरत है बताओ। जब ये पैदा हुई थी ना तो सत्यनारायण की पूजा चल रही थी, मंगल आरती के सही समय पर ये पैदा हुई। ये बचपन से ही सुंदर है। पड़ोसी हमेशा कहते थे इस बच्ची को आप हमें दे दो, हम लोग इसकी परवरिश करेंगे। तब मेरे पति मिलिट्री में थे, उन्होंने तब क्या कहा पता है? उन्होंने कहा जैसे मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, आगे चलकर मेरी बेटी जनता की सेवा करेगी। ओके ओके, I think it's enough for today. Oh, I forgot to introduce to my people. He is Mr. Mahadev, the principal. He is curator, Mr. Nilesh. Chandan, my co-star. Sound engineer, Mr. Arun. And he is the organizer of the NGO, Mr. Gopi. Thank you. Hey Gopi, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। इतना बड़ा ब्रेक है उसके लिए ये। इसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? Hey Gopi, क्या हो गया यार? क्या सोच रहा है तू? बदतमीज, कितना घमंड है उसमें। किसमें? और किसमें? उसी आदिति में। क्यों? उसने ऐसा क्या किया? कितना एटीट्यूड है उसमें, उसकी बातें नहीं सुनी तुमने?
अरे यार इतना क्यों चिढ़ रहा है तू? चिढ़ू ना तो और क्या करूँ, उसने सबका परिचय करवाया, तू भी तो था वहाँ पर, तेरा परिचय करवाती तो क्या बिगड़ जाता। अरे यार तू भी ना, और वैसे भी वो मेरा परिचय क्यों करवाएगी किसी के साथ, और वैसे भी मुझे उसकी क्या जरूरत है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हाथ को चलने के बाद एटलीस्ट सॉरी तो कह सकती थी ना, ऐसी घमंडी लड़की के पीछे चार लड़कों को लगा देना चाहिए। ए छे, क्यों तू ऐसा बोल रहा है यार, तू इतना नीचे गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। लगता है इसे लाकर मैंने गलती कर दी। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा, आज देर हो गई? नंदिनी कहाँ से कहाँ चली गई माँ? हाँ क्या मतलब? वो हिंदी फिल्म करने वाली है माँ। हाँ हाँ हिंदी फिल्म, और वो भी किसके साथ पता है? वो राज कपूर का पोता है ना। राज कपूर के साथ। ए, तुझे याद है तूने उस दिन क्या कहा था कि एक दिन उसे एक ऊंचे मुकाम पर बिठाऊंगा? आज वो मुझे वहीं दिख रही है बेटा, शाबाश। नहीं मम्मी, इसके अलावा एक और चीज उसे सीखनी चाहिए मम्मी, और वो है संस्कार। क्यों बेटा, उसने तेरा अपमान किया क्या? ऐसा तो नहीं है मम्मी, वो मेरा कितना भी अपमान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बर्ताव से लोग उसके बारे में बहुत कुछ गलत समझ रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा था बेटा, इस कला के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैडम। क्या बात है मैडम, हाथी भी मंगवाया आपने? हाँ, फंक्शन के लिए चाहिए था ना। क्यों भैया, उस दिन के लिए हार वगैरह का इंतजाम किया है ना? जी मैडम। अभी किसी और को वैसे ही कपड़े पहनाकर इस हाथी को हार पहनाने की प्रैक्टिस करवाते रहना, भूल मत जाना। जी मैडम। वहाँ पर जो बैठे हैं ना, उन्हें जरा बुलाओ। ओके मैडम। देखो उसे मुझे बुलाने के लिए भेज रहे हैं। सर मैडम बुला रही हैं आपको। मुझे? हाँ सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। हाय। व्हाट्स अप? गुड गुड। ऑल गुड? कम ऑन। हाथों को बांधकर कहानी बयान करने वाला सबसे अनोखा सबसे अद्भुत कलाकार है। ओके। वैसे कभी हमें भी अपनी परफॉर्मेंस में बुलाइए ना। अरे कम ऑन। प्लीज दूर हो। कम ऑन। क्या कर रहे हो तुम? ओके अब स्माइल करो। शाम को फोन करूंगा मैं। फ्री रहना। ओके ओके बाय। चलता हूँ मैडम जी। कौन है रे वो? एक लगा देती ना उसे। मम्मी उनका खास आदमी है वो। पेंटिंग एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के बारे में याद दिलाने आया हूँ मैडम। याद है लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। गुप्ता बहुत ही बड़ा आदमी है मैडम। रिसेंटली उसकी जो पेंटिंग है ना, आप बिलीव नहीं करेंगी, रेड में सेल हुई है। ठीक है मैं आ जाऊंगी। जरा उसको देखो, उसके कपड़े तो देखो। Excuse me, madam. You please carry sure. on. Excuse me, madam. One selfie, please. Friends, please, please. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उन सब का क्रेडिट मैं अपने एक दोस्त को देना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम मनु। मनु। मेरे हर काम के पीछे रहने वाला मेरा ये दोस्त ही है। इसने मुझे लाइफ के हर मौके पर इनकरेज किया। मेरा ये दोस्त मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने जीवन के कुछ पल मनु के साथ जरूर बिताकर देखिए और आपको अपनी जिंदगी के सही मायने पता चल जाएंगे। ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सर नमस्ते। नमस्ते। वन सेल्फी सर। हाँ।
थैंक यू सर। ओके, हमारी कंपनी में कभी लाइए नहीं है। जरूर मामा, मामा एरोप्लेन चाहिए मामा, मुझे बटरफ्लाई चाहिए मामा। सबको मिलेगा। एसी रूम, बच्चों को लेकर आओ। हाँ चलो सबको मिलेगा, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अक्षय। ये लो। और तुम्हारा नाम? अशिता। हाय। और तुम्हारा? हेमंत। वहाँ पर केक रखा है। क्यों रो रही हो बेटा, क्या हुआ? मेरा केक छीन कर ले गया। छीन लिया? छोड़ो रहने दो, मैं तुम्हें दूसरा लाके दे दूंगा, ठीक है ना? देखो अभी मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, आ जाओ। तुम्हें अच्छा लगा ना? ए उधर देखो। चलो 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 चलो, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है। मामा हमें भी चाहिए। तुम्हें भी चाहिए? मम्मी। मैं एक हीरोइन हूँ, एक सेलिब्रिटी, लेकिन इससे भी बड़ी बनूं इसलिए मुझे एक कहानी चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए, एक प्रोड्यूसर चाहिए, एक थिएटर चाहिए और लोग चाहिए, लेकिन इसे तो किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ भी जाता है लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई तो बात है ना इसमें? ऐसे लोग होते हैं बेटी जो बंदर को बिठाकर तालियां बजाते हैं। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है मम्मी। हाय बेब। क्या हुआ? हाय। व्हाट्स अप? और बताओ शूट कैसा चल रहा है? गुड गुड। अभी अभी पूछा तो हो गया, तुम बोल रही हो। अब तुम भी फ्रेश हो जाओ। ए, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ये देखो, देखो ना। बस इतना ही देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया? और भी बहुत सारे हैं। अब ऐसे इंसानों से बात तक करने का मन नहीं करता। अगर मेरे पास गन होती तो शूट कर देती इसे। छोड़ो, जाने दो अदिति। ये देखो, पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें कम थी मेरी लाइफ में, जो अब ये भी शुरू हो गया। क्यों? अब क्या हुआ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले लॉन्ग ड्राइव पर जाकर आते हैं, फिर बताती हूँ। चलो। क्या हुआ? समझे तुम? क्या? वो हमें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। He knows so many things. Horse riding आती है, बाइक भी चला लेता है। I can see heroine है।
की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगा। तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगा। तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगा। ए मामा, कुछ पैसे देना। ए मामा, देना, मैं आती हूँ। क्या कर रहे हो तुम, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मनु सर ने कहा था, अगर एक्टिंग सीखनी है तो जो भी तुम्हारे सामने आए उसकी तरह तुम्हें एक्टिंग करते आना चाहिए, इसीलिए किया। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? एक अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी लड़की को छेड़ते हो? लड़की के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे? मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया, इतना गुस्सा आता है इनको। दोबारा अगर नंदिनी को छेड़ा ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि एक्टिंग करना भूल जाएगा, समझा? तो ये सब मेरे लिए है। लेट्स गो। मैडम एटलीस्ट एक बार कहानी तो सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे नहीं करनी है। मैडम आप अगर महीने के 5 दिन भी देंगी तो बहुत होगा मैडम, फिल्म पूरी कर लेंगे। हाँ कहाँ से दो बताइए, अगर किसी शॉप में मिलते हैं तो बता दीजिए, ला दूंगी। प्लीज जाइए अब, चलते हैं मैडम। नमस्ते। हाय चंदन, क्या क्या बताया उसने? क्या, कैसे मारा, किस किस को मारा, वही बता रहा था ना? अरे नहीं, हम लोग तो कुछ और ही बात कर रहे थे, वो हम एक नाटक की कहानी सुना रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। उस बारे में कुछ नहीं बोला? अरे नहीं बोला। मेरे लिए मारा ये भी नहीं कहा क्या? ओफो, नहीं यार। क्यों बेटी, यहाँ लेटकर क्या ढूंढ रही है? ये कोयल कितनी देर से गा रही है मम्मी, पर कब से ढूंढ रही हूँ दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ बेटी, मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये वायर अच्छे से देख लेना, कहीं कटे हुए ना हो। ठीक है सर। माँ जी नमस्ते। आ? नमस्ते। 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 ये क्या रे, ये नया आलाप गा रहा है? कोयल अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है, पर कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। उसे कोई भी स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, ये कुछ नहीं चाहिए होता। अपने काम से मतलब रखने वाले बहुत से लोग होते हैं, और हम है कि हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। हम सब मिलकर तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की सोच रहे हैं। अरे रे, लेकिन क्यों? गोपी से तुम्हारे काम की तारीफ सुन सुनकर तुमसे जलन होने लगी है मुझे। तुम्हारे जैसा कोई एक हमारी संस्था में चाहिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो फैसिलिटीज मिलती है ना, वही सारी सेम फैसिलिटीज तुम्हें भी देने की सोच रहे। मैडम ये मुझसे नहीं होने वाला, और ना ही मुझे ये पसंद है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने जो सीखा है, तुम जो जानते हो, वो अगर 4 लोगों को सिखाओगे तो अच्छा ही होगा ना? मैं एक ही जगह रुककर काम नहीं कर सकता हूँ मैडम, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, और मैं बिना अहंकार के ही जीना चाहता हूँ, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें बहुत ही खुश हूँ मैडम। चलो सबको सैल्यूट करो। था ना कि तुम्हें जरूर कुछ खास बात है, इंसान हो तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जानवरों को कौन समझाए? एक मिनट। हाँ अरे जरा नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्रेन नहीं है, मैं कैसे आऊँ? कोई बात नहीं, बच्चों ने तो प्रैक्टिस कर ली है। मैं कैसे आऊँ, इस पोजीशन में आऊँ तो ठीक रहेगा?
इस तरह से हम हाथ तो यूज नहीं करना। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकती हैं। चलो बच्चों पीछे आ जाओ, चलो चलो। हाँ इस तरह, हाँ तुम यहाँ पर और तुम यहाँ पर, वेरी गुड। माँ तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप मनु की मम्मी है ना? उस दिन मैं आपसे बात करने की सोच ही रही थी। आप लोग गांव जा रहे हैं? चलती हूँ आंटी जी। अब इसमें संस्कार तो आ गए हैं ना माँ? धीरे धीरे उसे सब समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ दो चीजें बची हैं, या तो मैं जिंदा रहूंगा या मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। मेरे लिए एक काम करोगी क्या? हमारे बीच में जो कुछ भी है उसे बस एक नाम दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेल डन सर, बहुत अच्छा किया आपने। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया किया तुमने। मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो बाहर गई हुई है। मैं आउटडोर शूटिंग के लिए जा रही हूँ, उन्हें कहते ना 4-5 दिन यहाँ नहीं हूँ। चार पांच दिन यहाँ नहीं हूँ, मैडम से कह देना। हाँ नंदिनी, क्या है गुरुजी? क्या नंदिनी, आप इतने दिनों के लिए कहाँ चले गए थे? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक कहाँ चले गए थे? जीवन में हम जो नहीं सोचते हैं कभी कभी वही हो जाता है बेटी। खैर तू बता, तू तो ठीक है ना? यही काफी है। वही तो मैं कह रही हूँ गुरुजी, मेरी लाइफ इस तरह से चेंज करके आप यहाँ आकर छिप कर बैठे हैं। आज शाम को आपको मुझसे मिलना होगा, ठीक है? ठीक है ना? आपको मेरे लिए तो आना चाहिए था ना गुरुजी? तुम फिर से वही बात कर रही हो, अब तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता? तुम तो इतने अच्छे मुकाम पर हो। नहीं गुरुजी, मैं जिंदगी में जो चाहती थी वो मुझे आपने दिलाया। अब एक और ऐसी चीज है जो मुझे भगवान नहीं सिर्फ और सिर्फ आप ही दिला सकते हैं गुरुजी, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं मिल रही? मैं भी यही सोचती थी गुरुजी, लेकिन एक चीज है। लेकिन मैं कर्जा लेकर भागा हुआ हूँ। आप बस आ जाइए गुरुजी, मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी पहचान है, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी सारी हेल्प करूंगी। बहुत अच्छे इंसान है, इनकी गारंटी मैं लेती हूँ सर। मेरे से जो भी बेहतर बन पड़ेगा मैं करूँगा। ओके सर, थैंक यू। आप कहीं बाहर मत जाइए, मैं इस बारे में बातें करने के बाद आपको अंदर बुलाता हूँ। ठीक है सर। अब बोल बेटी, तुझे कौन सी चीज चाहिए? चीज नहीं, व्यक्ति। व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति चाहिए? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ गुरुजी। ओहो, तू उस लड़के को पसंद करती है और लड़का तुझे ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उस लड़के को बताया? सामने से तो नहीं बताया, पर बताने की बहुत बार कोशिश की है। एक बार उससे सामने से पूछ लो। ठीक है चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लड़का कौन है। अभी नहीं, एक बार कमिश्नर जी को सब संभाल लेने दो, फिर मिलूंगा। नहीं, आपको उससे मिलना नहीं है, आपको उसे सिर्फ दूर से देखना है बस। आप उसे पाने में मेरी मदद करेंगे ना गुरुजी? अरे पहले दिखा तो दो बेटी। जिसके बारे में मैं बात कर रही थी ये वही है।
तो बताइए कैसे हैं गुरुजी? अब ठीक तो है ना? ठीक हो बेटी। वो तो ठीक है, लेकिन आप उस दिन ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी बताइए ना प्लीज प्लीज। जो चीज तुम्हें चाहिए उसे देखने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई है बेटी। पर क्यों? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटी, बाप रे बाप रे बाप रे, क्या कोइंसिडेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए ना। वो सब जानना जरूरी नहीं है, अगर वो चीज तुम्हें चाहिए तो उसे पाने के लिए तुम्हें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। मैं अब और कितनी कोशिश करूं गुरुजी, एक लड़की होकर मैं डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती, इसलिए इनडायरेक्टली मैंने उसे बताने की कितनी बार कोशिश की है, यहाँ तक कि उसकी मम्मी के पैर भी पड़े हैं। एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद मैं इतना कुछ कर रही हूँ उसके लिए। उस इंसान के लिए तू जो भी करेगी वो कम होगा बेटी, तुम्हारी जिंदगी को तभी अर्थ मिलेगा बेटी जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी, आपने एक बार देखकर ही उसके बारे में इतना कुछ बता दिया, आप सच में बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुजी। देखो बेटी, कोई भगवान मत छोड़ना, सारे भगवान के पैर जाके पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ दुनिया जहान की पूजा भी कर डालो। ठीक है गुरुजी। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। गुरुजी सब अच्छा है ना? अच्छा है। अरे क्या गुरुजी, तुम इधर और कहाँ चले गए थे तुम? काशी गया था। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँच गए, मुझे ढूंढते हुए? क्या मैं तुझे ढूंढते हुए नहीं आया, विधि का विधान मुझे यहाँ लेकर आया है। क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हो गया हूँ गुरुजी। ज्यादा खुश मत हो बेटा, मैंने तुझे भी बताया ना, इससे पहले मैं कहा था काशी। हाँ, और कुछ दिनों पहले कौन काशी होकर आया है? हाँ नंदिनी। हाँ वही वही। ओ, मतलब उसने तुम्हें देखा और वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। आराम से बैठकर बातें करते हैं। उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी बात तो मानी नहीं, और उसने तुमसे कहा और तुम भागकर चले आ गए। जब तूने मुझे बुलाया था तब मैं आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अब मुझे यहाँ जिसने बुलाया है उसका भी उद्देश्य वही है जो कि तेरा है। ऐसा क्या उद्देश्य है उसका? तुमने ये प्रार्थना की थी कि वो लड़की तुम्हें मिल जाए, और वो मुझे यहाँ लेकर आई कि तुम उसे मिल जाओ। तो क्या वो मुझे मिलेगी? हाँ भाई, शौक पे शौक मत दो यार। हाँ, जब मुझसे वो काशी में मिली तो उसने कहा मुझे जो कुछ भी चाहिए था आपने दिलाया, पर एक आखिरी चीज है जो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो भी दिलाए गुरु जी। जब यहाँ आया तब मुझे पता चला कि उसे तो तू चाहिए। मन्नू तू उसे कितना प्यार करता था ये बात उस लड़की को पता ही नहीं। क्यों मनु, तूने उसे बताया नहीं? नहीं नहीं, मतलब तूने खुद कभी कुछ बोला ही नहीं, और मुझसे कहता रहा जाके बोल। अब मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हो चुका है। अब उस लड़की का दिमाग कितना खराब है पता है? वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा बैठ जाओ। अब मेरा उससे प्यार करने का फायदा ही क्या है गुरुजी? वो अब दूसरी दुनिया में है, अब तो मैं उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। उसकी लाइफस्टाइल तो तुम्हें पता ही है ना, उसने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी पाया है, उसे छोड़कर तो मैं उसे अपने पास नहीं बुला सकता ना। मैं खुद चाहता था कि वो ये सब हासिल करे, और अब मैं खुद ही उसे ये सब छोड़ के आने के लिए बोलूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। अब तुम ही बताओ। अरे मैं तो चाहता हूं कि वो अब और आगे बढ़े। शाबाश मनु, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला, सीखना पड़ेगा तुझसे। क्या हुआ गुरुजी? मम्मी नहीं है। मम्मी तो नहीं है, पर क्यों? प्लीज मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने अपने जीवन में पहली बार हार का सामना किया। क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? हमारी पूजा और प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। क्या गुरुजी, आप ही ऐसा कहेंगे तो कुछ तो कीजिए गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अभी कोई पूजा पाठ काम नहीं आने वाला, अपनी जान भी दे दोगी तो भी वो नहीं मिलेगा। तू उसे भूल जा बेटी, कोई और लड़का ढूंढ ले। गुरुजी अगर मैं उसके लिए जान भी दे दूं तो ये भी बहुत छोटी बात होगी, मैं अपना प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, एक सेलिब्रिटी हूँ मैं, और वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी उसकी अच्छाई को देखकर मैंने उससे प्यार किया है, उसे समझना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा बड़प्पन ही है। इडियट, कुछ नहीं समझता उसे, वो मेरे लायक ही नहीं है, और होगा भी कैसे, गंवार कहीं का। नीची सोच जो है। नंदिनी, सोच नीच उसकी नहीं तुम्हारी है। गुरुजी किस बात का
बात का गुरुजी, तुम्हें आज तक जो भी कुछ मिला है वो मैंने नहीं दिलाया है तुम्हें। आज तक तुमने जो भी कुछ पाया है सब उसकी वजह से। आज जो तुम्हें दुनिया में अदिति के नाम से जाना जाता है वो नाम तक उसी लड़के का दिया हुआ है, जानती भी हो। तुम्हें याद है नंदिनी, अंबा भवानी मंदिर में देवी ने तुम्हें फूल दिया था। एक बार बात करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए गुरुजी प्लीज। hey, मैं जो बोलूंगा वो तुम सुनोगे ना? अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा मैं। समझ में आया? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बेटा, तुमने भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच, आई विश यू गुड लक। थैंक्स मैम। अदिति, मैं तुम्हें कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव तो पहले कभी भी नहीं थी। गुरुजी? हाँ? कहाँ है वो गुरुजी? कौन? मनु? वो तो गया। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे एक बार उससे बात करनी है। आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? उसका कोई फायदा नहीं होगा बेटी, वो लड़का अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने जो मुझसे कहा, अगर मैं तुमसे उस बारे में पूछूं तो जवाब दोगी क्या? बोलो बेटी। अब तो तुम जानती हो, आज जो तुम इस मुकाम पे हो उसका कारण वही है। चलो मान कर देखते हैं, अगर तुम उसके साथ जिंदगी बिताने चली गई तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना होगा, और तुम्हें तो उसकी जीवन शैली पता ही है। वो तो गया, वो गोपी के साथ गाय बकरियों को घुमाने के लिए, तुम जाओगी क्या? तुमसे ये नहीं होगा बेटी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने सब कुछ पाकर खो दिया, और फिर सोचोगी कि उसने सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन भी लिया। तुम्हें भले ही इस समय रोना आ रहा है बेटी, पर कुछ दिनों के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। हेलो मैडम, मैं दयानंद शर्मा बोल रहा हूँ। बोलो। मुंबई से फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि फोटोशूट के लिए आप कब जाएंगी। उन्हें कब का बता दूं मैडम? बाद में बताती हूँ।
तुम्हारे साथ। देखा आपने इस लड़के को, अब आप भी कल याद से अपने बेटे को साहेब जरूर दिखाइएगा।